सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू कर दें। दोस्तों, आज की पहली अपडेट राफेल डील की तरफ से है। हमारे फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी मोहन कुमार जी ने मीडिया को बताया है कि जब 126 राफेल जेट की डील को कैंसिल करके मोदी गवर्नमेंट के द्वारा दोबारा से स्टैंडर्ड को लेकर नेगोशिएशन शुरू किया गया था, तो तब 126 के बदले 148 राफेल को खरीदने के लिए प्लान किया गया था। हालांकि पहली फेज में बस 36 राफेल के लिए ही डील को साइन किया गया था, जो कि हमें फ्लाई बाय कंडीशन में मिलने वाले, लेकिन जो बाकी 112 जेट थे उनके लिए भी एक सेपरेट डील को प्लान किया गया था, जिसके अंदर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इंडिया में ही बनाए जाने वाले थे। आप सभी को पता होगा कि अभी 114 मल्टी रोल फाइटर जेट के लिए भी एक टेंडर निकला हुआ है, और जहां तक बताया जा रहा है कि इस टेंडर में शायद मोदी गवर्नमेंट की तरफ से राफेल को ही सिलेक्ट करने का प्लान किया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो हमें टोटल 150 के करीब राफेल मिल सकते हैं। इनको छोड़ के नेवी की 57 कैरियर बेस फाइटर के लिए भी जो टेंडर निकला हुआ है, उसमें भी राफेल एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। हालांकि नेवी के टेंडर को लेकर अभी तक कोई भी खास अपडेट नहीं आई है, लेकिन अगर हम मोहन कुमार जी के बातों पर गौर करें तो शायद मोदी गवर्नमेंट फिर से 114 राफेल जेट को खरीदने का प्लान कर रही है। अगला अपडेट सिनोक हेलीकॉप्टर की तरफ से है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि सिनोक हेलीकॉप्टर की पहली बैच को फॉर्मली इंडियन एयरफोर्स को हैंड ओवर कर दिया गया था। ये बस एक फॉर्मेलिटी थी जिसे बोइंग की फिलाडेल्फिया वैली फैसिलिटी में किया गया था, और उसके बाद इन हेलीकॉप्टर्स को वापस डिसेंबल करके इंडिया के लिए रवाना कर दिया गया था। अभी बोइंग इंडिया की तरफ से ये बात ऑफिशियली बताया गया है कि सिनोक हेलीकॉप्टर की पहली बैच अभी गुजरात की मुद्रा पोर्ट पर पहुंच चुकी है, और यहां से इन हेलीकॉप्टर्स को दोबारा से असेंबल करके इंडियन एयरफोर्स की चंडीगढ़ एयरबेस में भेज दिया जाएगा। ये डील 2015 में किया गया था, जिसकी कीमत करीब $3.1 बिलियन था, और इसके अंदर 22 अपाचे और 15 सिनोक हेलीकॉप्टर को खरीदा गया था। डिलीवरी होने के बाद अभी हेलीकॉप्टर शायद मार्च तक इंडियन एयरफोर्स में ऑफिशियली इंडक्ट कर दिए जाएंगे। दोस्तों, अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट की तरफ से है। कुछ दिन पहले आप सभी ने सुना होगा कि यूनाइटेड स्टेट की मेजर डिफेंस फर्म लॉकहीड मार्टिन की तरफ से बताया गया था कि वो अभी इंडिया को एक गेम चेंजिंग पार्टनरशिप का ऑफर दे रहे हैं, जिससे इंडिया और यूनाइटेड स्टेट दोनों को फायदा होने वाला है। इसके अलावा इंडियन नेवी यूनाइटेड स्टेट से 24 MH-60R हेलीकॉप्टर को भी खरीद रही थी, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इंडिया की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर टेंडर के लिए अपनी S-76 हेलीकॉप्टर को भी ऑफर किया गया है। लेकिन लॉकहीड मार्टिन की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया था कि वो इंडिया को गेम चेंजिंग ऑफर दे रहे हैं, तो वो कोई खास अपडेट नहीं था। उन्होंने फिर से इनडायरेक्टली F-16 को ही हमें ऑफर किया है। फ्यूचर में अगर इंडिया अपनी एयरफोर्स में इन जेट्स को शामिल करता है, तो दुनिया भर के जितने भी F-16 हैं, उन सभी को आगे चल के इंडिया में अपग्रेड या फिर सर्विस किया जाएगा। इसके अलावा करीब 200 F-16 जेट को इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अगर हमारी MMRCA टेंडर की बात करें, तो F-16 अभी उस टेंडर में सबसे कमजोर कंटेंडर में से एक है, और ये जेट पहले ही हमारे रिक्वायरमेंट में फिट नहीं हो रहा था, और लॉकहीड मार्टिन भी ये बात जानती है कि F-16 का सिलेक्ट होने का चांसेस बहुत ही मुश्किल है, जिस वजह से वो बार बार F-16 को अलग अलग तरह के ऑफर के साथ इंडिया में पुश करने की कोशिश कर रहा है। और इनकी जो गेम चेंजिंग पार्टनरशिप वाला स्टेटमेंट है, ये लेज की पैकेट के जैसी है, जो कि बाहर से तो हरा भरा दिखता है, लेकिन हवा निकलने के बाद पता चलता है कि अंदर बस 2-4 चिप्स ही पड़े हुए हैं। ठीक उसी तरीके से उनकी गेम चेंजिंग पार्टनरशिप सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में ये F-16 को ही ऑफर करने वाले हैं, और बिरयानी का टैग लगाकर खिचड़ी बेचने की टैक्टिक्स अमेरिका को अच्छी तरीके से मालूम है। दोस्तों, अगला अपडेट डाइविंग सपोर्ट वेसल को लेके है। हिंदुस्तान सिपेट लिमिटेड की तरफ से अभी बताया गया है कि वो अभी इंडियन नेवी की डाइविंग सपोर्ट वेसल की कंस्ट्रक्शन को शुरू कर चुके हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इस टेंडर की कीमत करीब 2050 करोड़ की है, और इसके अंदर 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल बनाए जाने वाले हैं। ये वेसल हमारी सबमरीन्स को रिपेयर और रिकवरी करने में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इनको रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह की जो पहली वेसल है, वो आज से करीब 3 साल बाद इंडियन नेवी को मिल सकती है, और दूसरी वेसल उसके 1 साल के बाद इंडियन नेवी को डिलीवर किया जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान सिपेट लिमिटेड अभी इंडियन नेवी के लिए करीब 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स को भी बनाने वाली है, जिसकी कीमत करीब 9,500 करोड़ की है, और इसके लिए अभी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को भी इशू किया जा सकता है। हिंदुस्तान सिपेट लिमिटेड की तरफ से बताया गया है कि इन वेसल को बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को अगले साल तक साइन किया जा सकता है, जिसके बाद इनकी कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाएगा। दोस्तों, अगला अपडेट अरुणाचल प्रदेश को लेके है। जैसे कि कल मैंने आप सभी को बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अरुणाचल प्रदेश गश्त को लेके चाइना की तरफ से आपत्ति जताई गई थी।
चाइना का कहना है कि वो अरुणाचल प्रदेश नाम की कोई स्टेट को नहीं जानते हैं और जिसे भारत अरुणाचल प्रदेश कहता है वो साउदर्न तिब्बत का एक हिस्सा है। इस पर हमने भी उनको जवाब दिया था कि अगर अरुणाचल प्रदेश साउदर्न तिब्बत का एक हिस्सा है तो तिब्बत कौन सा तुम्हारा है और तुम लोग ये डिसाइड करने वाले कौन होते हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहाँ जाएंगे या फिर कहाँ नहीं जाएंगे। कल की वीडियो में मैंने देखा था कि कुछ लोग कमेंट किए थे कि वो लोग अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका शिकायत था कि गवर्नमेंट ने कभी भी अरुणाचल प्रदेश की डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया और वो इस वजह से चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। अगर आप मेरे वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं बार बार कहता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट की डेवलपमेंट पर ध्यान देना जरूरी है और वहाँ पर अच्छे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, मेडिकल, स्कूल, कॉलेजेस को बनाना जरूरी है। लेकिन ये जो इल्जाम आप लगा रहे हैं, इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आपके चीफ मिनिस्टर जिनको आपने ही वोट देकर चुना है, उनका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी दिक्कत चाइना की वजह से आ रही है और बाहर से जितना भी फंड अरुणाचल प्रदेश में आना चाहिए उन सभी को चाइना अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ब्लॉक कर रहा है और जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए वो सभी चाइना ब्लॉक कर रहा है। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जितनी बार अरुणाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्टिविटी जैसे बेसिक डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट को सैंक्शन किए गए हैं उन सभी में चाइना ने अपोज किया और ये चाइना ही है जो कि चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश में इंडिया कोई डेवलपमेंट वार को नहीं कर सके। और आप ये समझ रहे हैं कि चाइना आपका अपना है और हम आपके पराए हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी ये सोच बदले क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में मेरे और भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से एक के साथ तो मैं रोज पबजी भी खेलता हूं और अरुणाचल प्रदेश को लेके हमारे बीच लगातार बातचीत होती रहती है। तो उसके मन में मुझे कभी भी इस तरह के ख्याल नज़र नहीं आए हैं जो आपके मन में अभी दिख रही है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।